प्राइवेट स्कूल्स की फी हाइक से अक्सर पेरेंट्स परेशान रहते हैं। अब दोबारा से जब से कोविड-19 के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, हालांकि कई सारे स्कूल्स अभी भी बंद है, जिनका ये कहना है कि वो नए सेशन से स्कूल्स की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल्स ने जब ये डिसाइड किया कि वो ट्रांसपोर्टेशन फीस बढ़ाएंगे, इसको लेकर जम्मू कश्मीर की जो फी फिक्सेशन कमेटी है, उस फी फिक्सेशन कमेटी ने एक आदेशनामा जारी किया। उस आदेशनामे में फी फिक्सेशन कमेटी ने अलाउ किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 12% तक फीस बढ़ा सकते हैं। कई सारी बातें की जा रही थी, जो प्राइवेट एसोसिएशंस भी थी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस भी थी, वो भी अपना अपना रेट चार्ट सामने रख रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि किस हद तक ट्रांसपोर्टेशन फी बढ़ानी चाहिए। हालांकि क्योंकि वो प्राइवेट एसोसिएशंस थी, उनके किसी भी आदेशनामे या रेट चार्ट का को मानना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन क्योंकि J&K की जो फी फिक्सेशन कमेटी है उसका हर एक आदेश मानना जरूरी है, इसके चलते ये जो 12% का आदेश दिया गया है, कोई भी प्राइवेट स्कूल 12% से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन फीस को नहीं बढ़ा सकता। इसमें भी ये कहा गया है कि वो स्कूल जो खुले होंगे, यानी कि बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, वही स्कूल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फीस 12% तक बढ़ा सकते हैं। और उसमें भी अक्टूबर 2019 विंटर जोन और फरवरी 2020 समर जोन में जितनी फीस बच्चों से ली जा रही थी ट्रांसपोर्टेशन फी के तौर पर, उस नंबर में 12% का इजाफा जो है वो किया जा सकता है, कोई मनमाने जो रेट है वो नहीं लगाए जा सकते। ट्रांसपोर्टेशन फीस तो बढ़ा दी गई है और इसको लेकर अभी पेरेंट एसोसिएशन का रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन ट्यूशन फीस और एनुअल फीस को लेकर भी मामला बना हुआ है। ट्यूशन फीस को लेकर भी सूत्रों का ये कहना है कि डिस्कशंस की जा रही हैं, क्या ट्यूशन फी भी बढ़ाई जाएगी, जो नॉर्मल फीस स्कूल्स चार्ज करते हैं पेरेंट्स से, क्या उसमें भी कोई बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ साथ में जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फी का मामला है, उसमें भी फी फिक्सेशन कमेटी ने ये कहा अपने ऑर्डर में कि कई सारे प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट्स को लेकर शिकायत ही आ रही है कि वो ट्रांसपोर्टेशन फी का जहां तक ताल्लुक है, वो फुल सेशन की ट्रांसपोर्टेशन फी इन एडवांस डिमांड कर रहे हैं पेरेंट्स से, जो कि इलीगल है, ऐसा किया नहीं जा सकता। उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक अंडरटेकिंग लेने की बात है, कि बहुत सारे पेरेंट्स से अंडरटेकिंग ली जा रही है कि हम 50% फीस जो है वो भर देंगे, या 100% फीस जो है पूरे सेशन की वो एक ही बार में भर देंगे, ये पूरा का पूरा जो चीज है वो इलीगल है। आप अंडरटेकिंग नहीं मांग सकते, आप एडवांस में पूरी ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है 6 महीने की नहीं ले सकते। तो इसको लेकर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि इस तरीके का कोई भी डिसीजन प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकता और मैंडेटरी नहीं कर सकता पेरेंट्स के लिए कि वो अंडरटेकिंग दें या वो पूरी की पूरी फीस इन एडवांस भरें। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि ये पूरी प्रैक्टिस जो है वो इलीगल है, और ये जो हाइक होगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फी में जो बढ़ोतरी होगी, ये उस दिन से लागू हो जाएगी जिस दिन से स्कूल्स दोबारा से शुरू होंगे। अब कई सारे स्कूल जिनकी जो छोटी क्लासेस को भी नहीं बुला रहे हैं, स्कूल नहीं लग रहे हैं, अप्रैल से फर्स्ट नया सेशन जो है वो दोबारा से शुरू होना है, तो उस नए सेशन से आपने फिर वो फीस जो है वो इम्प्लीमेंट करनी शुरू करनी है। अगर स्कूल्स बंद हैं तो बंद स्कूल के लिए आप ये ट्रांसपोर्टेशन फी में हाइक नहीं कर सकते। इसके साथ साथ में पेरेंट्स के भी उनके भी नॉलेज में ये बात लाई जाए कि ऑलरेडी फी फिक्सेशन कमेटी ने बताकर रखा हुआ है कि कौन कौन सी फीस चार्ज कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स और कौन कौन सी एडिशनल फीस चार्ज वो नहीं कर सकते। कोई भी प्राइवेट स्कूल आपको एडवांस में 6 महीने की फीस भरने को नहीं कह सकता, एडवांस में 3 महीने की फीस भरने को नहीं कह सकता। एडिशनल चार्जेस, जो चार्जेस ऑलरेडी मैंडेटरी नहीं किए गए हैं, वो एडिशनल चार्जेस आपसे नहीं लिए जा सकते। लेकिन क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स ने भी इन दिनों में, जब कोविड में स्कूल्स बंद रहे, तो काफी सफर किया है, और वो प्राइवेट स्कूल्स भी, जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी फीस भी ज्यादा नहीं थी लेकिन जिनके एक्सपेंसेस ज्यादा थे, चाहे वो स्टाफ का खर्चा हो, चाहे वो उनके बसेस का लोन पर उन्होंने बसेस ली हो, चाहे वो अब जिस बिल्डिंग में स्कूल चला रहे हैं उसका रेंट देना हो, या बाकी सभी खर्चे जो उन प्राइवेट स्कूल्स के होते थे, वो खर्चे निकालना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तरफ स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे, फीस बढ़ नहीं पा रही थी, और जो एग्जिस्टिंग फीस भी थी, कई सारे पेरेंट्स वो फीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे फैमिलीज की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही वीक हो गई थी। तो इस बार भी देखना ही होगा कि 12% फीस हाइक से क्या उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल पाती है या नहीं, और जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्मॉल प्राइवेट स्कूल्स हैं, मीडियम प्राइवेट स्कूल्स हैं,
उनको सस्टेन करने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए सरकार क्या तरीका निकालती है, क्योंकि कई सारी वो प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस भी सरकार के साथ इन कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई पैकेज उन्हें दिया जाए उनके सस्टेनेंस के लिए, उनके रिवाइवल के लिए। जहां तक बात है बड़े प्राइवेट स्कूल्स की, उनको लेकर भी अक्सर पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि अगर हम जो स्कूल डिक्टेट कर रहा है उसे नहीं माने तो हमारा बच्चा सफर करता है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन फी फिक्सेशन कमेटी की बात हो वो भी वो प्राइवेट स्कूल्स नहीं मानते, और कोई सरकारी आदेश हो वो भी वो प्राइवेट स्कूल्स नहीं मानते, कई बार फीस चार्ज करते हैं, रिसिप्ट नहीं देते हैं, ये सारी चीजें होती है ताकि हमारे पास एविडेंस ना हो और हम फी फिक्सेशन कमेटी के पास जाकर ये बता ना पाए कि इस तरीके से जो पेरेंट्स है उनके साथ जाति की जा रही है। तो उन इंस्टेंसेस को भी जो है फी फिक्सेशन कमेटी को नोट करना होगा और इंश्योर करना होगा कि एजुकेशन जो है वो एक बिजनेस बनकर ना रह जाए, लेकिन साथ ही में जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कम से कम सस्टेन कर सके।